देखो भाई हमारे पास जो तो इसका जो लास्ट क्लास में एक चैप्टर हमारा एंड हुआ था उस चैप्टर का नाम क्या था पता है एट तथा चैप्टर का नाम ठीक अब जो मेरे पास ना ये जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है राजा किसान और नगर ठीक है हमारी क्या चैप्टर का नाम राजा किसान और नगर भाई ये जो तो चैप्टर है ना हमारा जैसे हड़प्पा हमने क्या जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में पढ़ा था ठीक है हड़प्पा सभ्यता के ये मान के चलो जब हड़प्पा सभ्यता थी ना हड़प्पा सभ्यता के कम से कम 1500 साल बाद ठीक है फिर जिसको डेढ़ हजार बोल सकते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के 1500 साल बाद ना लोगों ने देखा कि वहां पे नए नए विकास हो गए हैं ठीक है जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि पहले जैसे जो हमारा पिछले चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता ज्यादा विकास हुए नहीं थे ठीक है रोड बनी थी सड़कें बनी थी बिल्डिंग बनी थी ये सारी सारी चीजें थी लेकिन बहुत ज्यादा विकास नहीं हुए थे सुनो तो पहले इसका जो परिचय है उसको देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद ठीक है भाई हड़प्पा सभ्यता के बाद डेढ़ हजार वर्षो के लंबे अंतराल ठीक है भाई डेढ़ हजार का मतलब क्या होता है पंद्रह सौ ठीक है वर्ष के लंबे अंतराल मतलब इतने साल के बाद अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में जो उपमहाद्वीप था उसके अलग अलग जगह पे भागों में कई प्रकार के विकास हुए ठीक है भाई वहां पे क्या है नई नई चीजों का विकास हो गया वर्ष मारिए उस टाइम क्या होता मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के कम से कम वही मान लो जो पंद्रह सौ साल बाद वहां पर नई नई चीजों का विकास हुआ है ठीक कह रहे कि यही वह काल था और ये काल वो था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदिया भाई उप नदियां क्या होती है सिंधु नदी से जुड़ी हुई जो और छोटी छोटी नदियां है ना देखो सिंधु नदी से जो नदी निकल रही है उसको बोलेंगे उपनदी ठीक है तो यहाँ पे वही कह रहा है कि यह वही काल था कह रहे यह वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया ठीक है भाई जब ना देखो ये वो ये कौन से काल की बात कर रहे हैं ये जो मैंने बोला कि मेरे पास क्या था हड़प्पा समय था उसके डेढ़ सौ साल के बाद ठीक है और ये मेरे पास ये वही समय है जब सिंधु जो सिंधु नदी है ना उसकी जो उपनदियां है उसके साइड में रहने वाले जो लोग हैं उन ने क्या लिखना शुरू किया था भाई रिग्वेद। रिग्वेद क्या कुछ ना कुछ लेखन होता है ठीक है फिर सुनो भाई अब लेखन, अब लेखन जो अब दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आए ठीक है उसके बाद क्या हो भाई पे उत्तर भारत में ठीक है और दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्र में कृषक कृषि ठीक है बस्तियां अस्तित्व मतलब कि यहाँ पे ना अब एक ऐसी बस्ती उभर के आई जो कि खेती वगैरह करती थी बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूं मैं उसके बाद साथ ही और उसी के साथ दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्र में चरवाहा बस्ती के प्रमाण भी मिलते हैं ठीक है और उसके बाद और किसी प्रमाण मिलते भाई चरवाहा चरवाह कौन होते है?

उसके क्षेत्र में ना भाई चरवाहा बस्ती के सबूत मिले हैं कि भाई यहाँ पे चरवाहा बस्ती भी रहती थी ठीक है उसके बाद ईसा पूर्व भाई ईसा पूर्व का ईसा बस्ती के जन्म से पहले ठीक है ईसा पूर्व हाँ भाई मैंने क्या बोला कि मेरे पास जो है ईसा पूर्व पहली सता देखो भाई मैं क्या ईसा पूर्व पहली सह शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए ठीक है थीके? उसके बाद क्या हुआ जो पहली शताब्दी थी उसमें क्या है कि भाई जो शव थे ना जो डेड बॉडी थी ठीक है उनको मतलब कि मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के नए तरीके मिले हैं ठीक है कह रहे कि जिनमें भाई जिसमें कहा है, क्या कहा कि जिनमें महापाषण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले भाई और कहेगी

नए नए तरीके नए नए तरीके पता लगे नई नई चीजों का विकास हुआ देखो भाई किन चीजों का विकास हुआ मैं सारी बात दोबारा बता रहा हूँ पहला है उत्तर भारत कह रहे उत्तर भारत और दक्षिण पठार के क्षेत्र और कर्नाटक में खे, खेती के बारे में मिला है ठीक है और अगला है साथ ही जो दक्षिण भारत है ना वहां के क्षेत्र में चरवाहा लोग मिल गए ठीक है थीके? उसके बाद क्या है कि यहाँ पे कह रहा है हाँ जो सव होते हैं ना उनके अंतिम संस्कार करने की नई विधियां पता लगी है ठीक है जो डैड जब कोई मर जाता है ना तो उनका अंतिम संस्कार करने के नए तरीके पता लगे ठीक उसके बाद रहे कि जिनमें महापाषण के नाम से ख्यात के बड़े बड़े ढांचे मिले और पत्थर के बड़े बड़े ढांचे मिले ना डेड बॉडी के बारे में लिखा हुआ है ठीक है उसके बाद अगला मेरे पास कह रहे कि कई स्थानों पर पाया गया कि सवो के साथ ठीक है भाई और बहुत जगह पे इन बात को अभी एक तरीके से मान लो सबूत मिले हैं कि जो डेड बॉडी थी ना हाँ भाई जो डेड बॉडी थी उनके साथ लोहे के मतलब लोहे से बने उपकरण और हथियार वगैरह दफनाए गए थे ठीक उसके बाद क्या रखी ईसा पूर्व छठी शताब्दी से नए परिवर्तन के प्रमाण मिलते हैं ठीक है जो भाई छठी शताब्दी थी ना वहां से अब नए नए परिवर्तन मिले और और बदलाव आए पहले मैंने देखो भाई हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे जो बॉडी होती थी उसको दफना दिया जाता था ठीक है उसके बाद क्या सबूत मिला हमें उसके बाद हमें यह सबूत मिला कि भाई जो लोग हैं ठीक है मैंने कहा बोला उसके बाद क्या सबूत मिला है उसके बाद ये सबूत मिला कि जितने भी जो लोग है ना ठीक वो सब गए कुछ और विकास कर चुके हैं ठीक है नई नई चीजों के बारे में जानकारी मिल चुकी है उन्हें इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्य साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास है भाई किन किन का विकास है रजवाड़ों का भाई देखो इस चैप्टर के अंदर रजवाड़ों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे रजवाड़े पता कौन होते हैं राजा वगैरह इनके बारे 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 बहुत राजा के बारे के पढ़ेंगे अच्छा किसानों किसान का नाम, नाम देख लो पहले देखो राजा किसान और मेरे पास क्या भाई नगर ठीक है अच्छा कब से कब तक आ, है भाई मेरे पास है लगभग 600 ईसवी पूर्व से 600 ईसवी तक है ठीक है अब सुनो तो ये ऐसा टाइम था जहां पर किसान वगैरह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे ठीक है कुछ कुछ किसान जो कमजोर होते थे ना वो शक्तिशाली किसानों के साथ जुड़ के रहते थे ठीक है अब कह रहे कि सुनो अच्छा रजवाड़े बता हैं जो राज करते थे ठीक है कह रहे कि इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे पहले समझो राजनीतिक प्रक्रिया क्या है राज करने की जो प्रक्रिया थी ना जो प्रोसेस चला था कि कौन राज करेगा तो वहां पता क्या था या तो या तो जो वहां का सबसे अमीर आग था ना जो सबसे अमीर आदमी था या तो वो राज करता था पहले ठीक है या फिर जो बहुत ताकतवर है वो राज करता था या फिर सबसे जो बड़ा किसान था ना, वो राज करता था मतलब तो उसके कहने पर सब कुछ चलता था ठीक है रहे कि इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे ठीक है और भाई ये जो राजनीतिक प्रक्रिया थी ना इसके पीछे ना कुछ और भी चेंजेस आए थे थी, ठीक है फिर सुनो कह रहे कि आ, उनका पता और जो इन इनका जो पता लगा है, रहे कि, इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है ठीक है और भाई हमें ये जो ये जो और जो, और जो परिवर्तन आए थे ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ देखो यहाँ पे कह रहा ना कि इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे ठीक है इनके पीछे जो परिवर्तन थे हमें कैसे पता लगता है कि भाई परिवर्तन आया था ठीक है कह रहे कि इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से किस तरीके से खेती की जाएगी इसको देख के पता लगाया गया कि लोगों ने और बदलाव भी किया है सुनो इसी के साथ साथ और भाई इसके साथ साथ इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ देखो भाई सब कुछ नए नए चीज बदल गई तो इसका सबूत इसी से मिल जाता है कि भाई वहां पर क्या है नए नगरों का विकास हो गए ठीक है नए नए नगर आ गए ठीक है लोग क्या नए नए तरीके से रहने लग गए उसके बाद इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों ग्रंथों सिक्कों तथा चित्रों जैसी विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करता है ठीक है मैंने क्या बोला कि इतिहासकार जो है ना इस प्रकार के इसी प्रकार से जितने विकास हो है पहले मरी हुई बॉडी का अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा पहले पहले दफनाते थे अब कुछ और करते हैं ठीक है पहले कुछ नहीं डालते थे मतलब पहले जो भी हीरे मोती वगैरह डालते थे ना लेकिन अब क्या है कि अब ना लोहे वगैरह पाया मतलब की लोहे के हथियार वगैरह पाए गए ठीक है इस तरीके से अब क्या है खेती लोग खेती करने लग गए और वहां पे लोग चरवाहा आ गए तो ये नए नए विकास पता लगे ना उसके बाद और भी विकास पता लगे लेकिन इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन मैं इस पर लाइन का मतलब बता रहा हूं कि जो इतिहासकार है वो जो भी परिवर्तन होते हैं उसके बारे में पता कैसे लगाते हैं जो भी इतिहास का होते हैं वो इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में पता कैसे लगाते हैं इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों ठीक है अभिलेख जो लिखी हुई चीज जो, जो पहले लोग जो छोड़ा था ना वो फिर ग्रंथो जो पहले के लोग ने जितने भी ग्रंथ लिखे ना वो सिक्को और जो भी सिक्के हैं वो तथा चित्रों जैसी विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करता है ठीक है जो इतिहासकार है ना वो क्या भाई इन सब चीजों का पता लगाने के लिए सिक्के हो गए ठीक है और भी जो अलग अलग प्रकार की चीज है ना इन सब का अध्ययन करते हैं ठीक है फिर सुनो कह रहे की? हाँ भाई कह रहे कि जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि यह एक जटिल प्रक्रिया है भाई क्या है जटिल प्रक्रिया पता लगाना कि क्या किन किन चीजों का विकास हुआ मुझे तुम बताओ कि भाई अगर कोई इंसान मान लो अगर हमारा सब कुछ खत्म हो जाए मैंने क्या बोला अभी जो भी हमारे पास सारा खत्म हो जाए सारे बिल्डिंग सारे नष्ट हो जाए तो पता लगाने का तरीका क्या होगा भाई लोगों के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मान लो सब कुछ खत्म हो जाए यहाँ पे ठीक है अब जो आगे जो लोग आएंगे मान लो यहाँ से दो तीन हजार साल बाद जो लोग यहाँ पे आएंगे वो कैसे पता लगाएंगे यहाँ पे क्या हुआ था ठीक है तो यहाँ पे वही कह रहे कि जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा और तुम्हें यह भी पता लगेगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती ठीक है और ये जो सबूत मिलते हैं ना सिक्के हो गए ठीक है और ग्रंथ हो गए अभिलेख हो गए चित्र वगैरह हो गए इन सबसे सारी की सारी जानकारी नहीं मिलती ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर देखो भाई ये तुम्हारा जो ना पहले इंट्रो खत्म हुआ है ठीक अब सुनो भाई इसके बाद ना अभी जस्ट थोड़ी देर में देखते हैं